नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। महाकाल की नगरी में ई रिक्शा संचालन अब धीरे धीरे गले की हड्डी बनता जा रहा है। यात्रियों को लाने और ले जाने की सुविधा के मद्देनजर जिस प्रकार से ई रिक्शा का संचालन किया जाना था वैसा नहीं हो पा रहा है। आए दिन गुटबाजी और रुपए लेने की बातें सामने आ रही है। पहले जिला प्रशासन, पुलिस से लेकर आरटीओ के बाद में अब जनप्रतिनिधियों के पास भी ई रिक्शा संचालक अलग अलग गुटों में बंटकर जाने लगे। ऐसा ही एक और वाकया सत्य खबर के सामने आया है, जिसमें हिंदुत्व प्रहरी रुपेश ठाकुर और उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालोड़ा ई रिक्शा की बात पर आमने सामने हो गए। जी हाँ, हिंद रक्षक के तौर पर जाने जाने वाले रुपेश ठाकुर ने जब अनिल जैन कालोड़ा से कहा कि ई रिक्शा संचालकों की मदद की जाए, तो इस पर उज्जैन उत्तर विधायक ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात करना अभी बेमानी है, अभी बात ई रिक्शा संचालन को लेकर उपजे समस्या पर जो है करना है। ऐसे में अनिल जैन कालोड़ा ने ई रिक्शा संचालकों को एसपी के पास भेजा। वहीं हिंदुत्व प्रहरी जो रुपेश ठाकुर है, उनका ऐसा कहना है कि विधायक ने अभद्रता की है और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। देखिए पूरा घटनाक्रम। सभी जाति पंथ और धर्म के लोग ई रिक्शा चलाते हैं, सबको समान अधिकार है। सबके संरक्षण के लिए हम जनप्रतिनिधि हैं और व्यवस्था के अंतर्गत जिसको जो काम मिलता है वो काम की चूँकि व्यवस्था बनी है, यदि उस व्यवस्था के अंदर कोई सुधार करना है तो उसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे, वाला अधिकारी से बात करेंगे, देखेंगे। और ये जिस जितने ई रिक्शा वाले हैं मेरे स्वजन है, भाई है, और इन भाई की रक्षा करने के लिए हम राजनेता, हम नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और इनकी हर समस्या में हम इनके साथ खड़े हैं। और जितना ज़्यादा सुधार हो सकता है, इनके चार पाँच प्रतिनिधि इक्कीस तारीख को भी आ जाए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इनकी भेंट कराऊँगा और इनकी समस्या का हर संभव प्रयास करेंगे। जो भी योजना बनेगी, जो प्रशासन की भी अपनी एक समस्या रहती है क्राउड मैनेजमेंट, और क्योंकि इनको भी एक रोजगार की समस्या है, दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक सकारात्मक हल निकालें। उपल जी, आप विधायक से शिकायत करने आए थे, ई रिक्शा के संचालन में दिक्कत आ रही है, क्या बात हुई विधायक से? विधायक का व्यवहार शुरू से अच्छा नहीं रहा है और अभी समय बड़ा बलवान है और समय के हिसाब से जब परिस्थिति अनुकूल होएंगी तो इनने जो करा है बढ़ता उसका तो समय जवाब देगा। और हम तो हिंदुओं की बात करने आए थे, अच्छी सरकार हमारी है, हिंदुओं के वोट से बनी है, तो जो अभी पॉलिसी आई है ई रिक्शा वाले हिंदुओं के साथ कि आधे दिन हिंदुओं की ई रिक्शा रात में चलेगी और आधे दिन में चलेगी, तो हम तो यही चाहते हैं कि नियम सबके लिए बने, मैजिक के लिए बने, ऑटो के लिए बने, क्या और तो इस तरह की बातें कर रहे, इसमें कुछ हो गई है। और हालांकि ये तो हम जानते हैं कि विधायक ने क्या समाधान की बात बताई, कुछ नहीं कहा है विधायक को। ये बता रहा हूँ कि विधायक जी, बलि जो है ना मुर्गे और बकरे की दी जाती है, शेरों की बलि कभी दी गई है, और वो तो अब समय बताएगा। हालांकि कोई वाली बात की है, अभी बच्चे हैं छोटे मेरे साथ में मेरे, और सही है, मैं तो एक हिंदू नेता हूँ, वो मैं कर काम देने अपने अपने वालों को मिलने दिया, मैं तो हिंदू की बात करने आया हूँ, सबकी मेरा मेरा पुंज सब मेरे हैं, सारे हिंदू मेरे हैं, क्या सब मेरे हिंदू हैं। तो मैं चाह रहा था कि कुछ भारतीय जनता पार्टी की पट्टी की बीजेपी के नेताओं की साठ या पचास साठ मैजिक कर उस हिसाब से शिकायत करना। सत्य सटीक बेबाक